मुल्क में बिजली का बहरान, शॉर्टफॉल 6,099 मेगावाट हो गया। पैदावार 19,901, तलब 26,000 मेगावाट रिकॉर्ड। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 16 घंटे तक लोड शेडिंग, लाइन लॉसेस वाले इलाकों में दौरानिया ज्यादा। आज से 3.5 घंटे लोड शेडिंग होगी। नैब मुल्क का सबसे करप्ट इदारा है, सियासत पर असरअंदाज होना है तो कौमी एहतसाब ब्यूरो की जरूरत है। मुल्क की मईशत तबाह हो रही थी तो रिटायर्ड अफसरान कहां थे? इलेक्शन अक्टूबर 2023 में ही होंगे, शाहिद खाकान अब्बासी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का आज इजलास, बिजली की लोड शेडिंग का प्लान पेश किया जाएगा, अहम फैसले मुतवक्के, सियासी और मुआशी सूरतेहाल का जायजा भी लिया जाएगा। डॉलर की फिर ऊंची उड़ान, इंटरबैंक में डॉलर 94 पैसे महंगा, 201 रुपए पर ट्रेड, ओपन मार्केट में डॉलर 202 रुपए में फरोख्त। हुकूमत की मुल्क में माली इमरजेंसी लगाने की तरतीब, फॉरेन अकाउंट्स मुंजमद, निजी लॉकर्स पर कब्जे का मंसूबा जेरे गौर नहीं। पेट्रोल 2 दफा महंगा करने से फाइनेंशियल बहरान खत्म हो चुका, वजीर आजम जल्द कफायत शारी के इकदाम का ऐलान करेंगे, वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का ट्वीट। सत्तर साल का बच्चा घर से इनकलाब लाने निकला था, अब तक वापस नहीं आया। सुपर पावर को ललकारने वाला आज गिरफ्तारी के डर से छुप कर बैठा है। शहबाज शरीफ ने दिल पर पत्थर रख कर कीमतें बढ़ाई, मौजूदा लोड शेडिंग की जिम्मेदार पीटीआई हुकूमत है, मरियम नवाज। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात, सियासी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत, पार्लियामेंट में कानून साजी और दीगर अमूर पर भी बातचीत। चेयरमैन ऐप की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुशावरत की दरखास्त मुस्तरद, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दरखास्त नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज कर दी। ये अदालत पार्लियामेंट को हिदायत नहीं दे सकती, चीफ जस्टिस अतर मिन अल्लाह के रिमांड। पंजाब असेंबली में डिप्टी स्पीकर पर हमला, हंगामा राई और तोड़फोड़ का केस, लाहौर के सेशन कोर्ट ने 12 एमपीएस और 15 असेंबली मुलाजमीन की अबूरी जमानतें मंजूर कर ली, अदालत ने पुलिस को एमपीएस की गिरफ्तारी से रोक दिया। बरतानवी वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम, 211 अरकान ने बोरिस जॉनसन के हक में और 148 ने मुखालिफत में वोट डाला, 63 मेंबरान की अक्सरियत से एतमाद का वोट हासिल करने में कामयाब, नतीजा सियासी और मुल्क के लिए अच्छा है, चाहते हैं अब मिलकर आगे बढ़े, एजेंडा जारी रखेंगे, बरतानवी वजीर आजम। और शायकीने क्रिकेट का इंतजार खत्म, 14 साल बाद मुल्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट का मेला सजने को तैयार, पहले वनडे में पाकिस्तान और वेस्टइंडीज कल आमने सामने होंगे, कौमी टीम का किट के साथ फोटो सेशन, दोनों टीमों का आज प्रैक्टिस सेशन भी शुरू।